चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लिंक, जो बाकी बच्चे बच गए हैं यदि कोई, तो उन्हें लिंक शेयर कर दीजिए और फिर लेक्चर पे अपना फोकस कीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, कल हमने जान लिया था कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल क्या होते हैं। ये यहाँ तक हम अभी तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ताकि चीज़ें बहुत सा ज़्यादा आपके दिमाग पे मेसअप ना हो जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि अभी तक हम कितना जान चुके हैं उसके बारे में। फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप हो जाए, बहुत ही क्विकली मैं रिकैप करूँगा, लेकिन इससे जो सारे कॉन्सेप्ट हैं आपको वो फिर से दिमाग में एक बार क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, परमाणु की संरचना को समझा, है ना। ये क्या है, एटमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना। स्ट्रक्चर की स्पेलिंग गलत हो गई, एटमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। परमाणु संरचना को हमने जाना। जब हम परमाणु संरचना को समझ चुके थे तो फिर हमने देखा कि आखिर जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन दोनों के परमाणु संरचना को देखा और हमने पाया कि इनकी अंतिम कक्षा में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, है ना। यानी कि टेट्रावेलेंट थे, 4 संयोजी थे सिलिकॉन और जर्मेनियम के परमाणु, ठीक है। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके थे। जब हमें पता चल गया कि ये 4 संयोजी हैं, तो हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने अशुद्धियाँ मिलाई, इंडियम की अशुद्धि मिलाई और आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई। तब हमें क्या प्राप्त हुआ, तब हमें पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये सारी बातें अभी तक आप समझ चुके हैं। तो अब जब चूंकि हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बना चुके हैं, तो चलिए हम अब इसकी सहायता से एक अन्य अन्य मटेरियल यहाँ पर बना करके देखते हैं। एक्चुअली अब हम मटेरियल नहीं बनाएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो पी टाइप मटेरियल है, ये पी टाइप मटेरियल को हम लोग पी टाइप मटेरियल को ऐसा करते हैं कि एक एन टाइप मटेरियल से मिला करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को मिला करके देखेंगे, ठीक है। तो पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को जब हम लोग मिला देंगे, है ना, एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल, है ना, तो इसको जब हम मिला देंगे, तब मिलाने से क्या होगा, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को ये मिला दिया जाए इस तरह से। यदि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को जब मिला दिया जाता है, तब जो मटेरियल बनता है, हम इसे तब ये यहाँ पर जो जंक्शन बन रहा है ना, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल का ये जो जंक्शन बन रहा है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, पी एन जंक्शन, ठीक है। इसे हम लोग नाम देते हैं पी एन जंक्शन। देखिए, हमने इसमें कुछ विशेष नहीं किया है, हमने केवल इतना किया है कि एक पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ मिला दिया, तो उनकी दोनों की सीमाओं पर, बाउंड्री पर, जहाँ दोनों संपर्क करते हैं मटेरियल, वहाँ पर एक जंक्शन का निर्माण होता है ना। जैसे हमारा सिंपल एक ट्रेन का जंक्शन नहीं होता, चार तरफ से यहाँ ट्रेन आती है, मिलती हैं, वो जंक्शन कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पे होल्स इलेक्ट्रॉन जो हैं आपस में मिल रहे हैं, है ना। पी टाइप और एन टाइप मटेरियल आपस में यहाँ पर मिल रहा है, तो इसे हमने क्या नाम दिया, पी एन जंक्शन, ठीक है। अब ये पी एन जंक्शन है, तो अब देखिए इतना जो मैंने बता दिया कि केवल दो मटेरियल लिए और दो मटेरियल मिला करके पास पास ले आए, तो पी एन जंक्शन बन गया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, एक अवधारणा बताने के लिए कि पी एन जंक्शन क्या होता है, आप समझ सकें अच्छी तरह से आसान शब्दों में, मैंने यहाँ पर आपको जो है सिंपल भाषा में समझाया, ठीक है।
तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो पीएन जंक्शन यदि हम वास्तविकता में बनाना चाहें, प्रैक्टिकली जब हम लोग बनाना चाहें, तो पीएन जंक्शन को हम किस तरह से बना सकते हैं, है ना। देखिए क्या होता है, चलिए पहले स्पेस क्लियर कर लूँ। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग पीएन जंक्शन बनाते हैं, जब हम लोग पीएन जंक्शन बनाते हैं, तो जो विधि हम लोग इस जंक्शन को बनाने में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिस विधि का आप यूज़ कर रहे हो, उस विधि के आधार पर आपका जो भी डिवाइस आप बनाओगे, उस डिवाइस की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वह इस जंक्शन बनाने की प्रक्रिया पर भी निर्भर करती है ना। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन किस मटेरियल का बनाया गया है, यानी कि आपने जर्मेनियम का उपयोग किया है या सिलिकॉन का उपयोग किया है, उस पर भी इसकी प्रॉपर्टी निर्भर करती है। चलिए मैं लिख करके बता देता हूँ। जैसे यदि मान लीजिए आपने जर्मेनियम से पीएन जंक्शन बनाया है या सिलिकॉन अर्धचालक से पीएन जंक्शन बनाया है, उसके आधार पर इस मटेरियल की विद्युतीय प्रॉपर्टीज़ है ना, विद्युतीय प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसकी चालकता, विद्युतीय प्रॉपर्टीज़ जैसे कि उसकी चालकता, उसकी प्रतिरोधकता और विभिन्न प्रकार के जैसे उसका पोटेंशियल बैरियर, कट इन वोल्टेज, ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करेगी कि आपने मटेरियल कौन सा यूज़ किया, सिलिकॉन का, अर्धचालक का, जर्मेनियम यूज़ किया या सिलिकॉन किया है। ठीक है, इसके अलावा जो विद्युतीय प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ना केवल अर्धचालक मटेरियल पर, बल्कि ये इस पीएन जंक्शन को बनाने की विधि पर भी निर्भर करती है ना। ये पीएन जंक्शन जो हम लोग बनाते हैं, तो ये पीएन जंक्शन बनाने की विधि पर भी निर्भर करती है। तो अब चूंकि आप इतने डिस्कशन से अभी तक ये तो समझ चुके होंगे कि जो विधियाँ हैं पीएन जंक्शन बनाने की, कुछ हमारे पास एक से अधिक विधियाँ भी होंगी, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि अलग अलग विधियों पर ये पीएन जंक्शन बनाने, जो पीएन जंक्शन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो अलग अलग विधियों पर डिपेंड करती है ना। तो देखें हम यहाँ कौन कौन सी विधियाँ होती है। देखिए विधियाँ जो हैं पांच प्रकार की होती है पीएन जंक्शन को बनाने के लिए, लेकिन आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के सिलेबस में केवल दो ही विधियाँ हैं। ठीक है, तो हम लोग केवल दो ही विधियों पर अपना ध्यान फोकस करेंगे, लेकिन एक आइडिया के लिए मैंने आपको केवल बता दिया कि विधियाँ और भी होती हैं और उन विधियों के आधार पर पीएन जंक्शन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ या विद्युतीय उसके गुण निर्भर करते हैं। तो कौन कौन सी विधियाँ आपके सिलेबस में, एक है ग्राउंड टाइप की पीएन जंक्शन, है ना, मतलब कि यदि पीएन जंक्शन को ग्राउंड किया गया है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड टाइप पीएन जंक्शन। चलिए मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा, ग्राउंड टाइप पीएन जंक्शन। ठीक है, इसके बाद दूसरी हमारी विधि होती है फ्यूज्ड टाइप पीएन जंक्शन, फ्यूज्ड टाइप पीएन जंक्शन। ठीक है, ये दो ही विधियां होती हैं, तो इन दो विधियों को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, ज़्यादा कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, तो इसके आधार पर आप लोग समझ सकते हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वह किस तरह से अलग-अलग हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इसे क्लियर करते हैं पहले। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे बात करेंगे ग्राउंड टाइप पीएन जंक्शन की। ठीक है, ग्राउंड टाइप पीएन जंक्शन, ग्राउंड टाइप पीएन जंक्शन। ठीक है, तो देखिए इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो एक शुद्ध अर्धचालक मटेरियल लेते हैं, कोई भी एक शुद्ध अर्धचालक मटेरियल लिया हमने यहाँ पर, ये शुद्ध अर्धचालक मटेरियल हम ले लेते हैं, वेपर
हो सकता है या जर्मेनियम का हो या सिलिकॉन का हो, किसी का भी आप लोग इसको प्रयोग कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप वो कौन सी किस डिवाइस जो है वो कौन किस युक्ति में यूज़ करना चाहते हो, जैसे टीवी रिसीवर या पावर रेक्टिफायर या क्या बनाना चाहते हो, उसके आधार पर जो है हम यहाँ पर इस वेफर का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक अर्धचालक मटेरियल लेते हैं, शुद्ध अर्धचालक मटेरियल। और इस शुद्ध अर्धचालक मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं कि आधा जो रीजन है, मान लीजिए ये आधा जो रीजन है यहाँ तक का, इस आधे रीजन में हम लोग क्या करेंगे, इस आधे रीजन में हम लोग इस आधे रीजन में हम लोग यहाँ पर इंडियम मिलाएंगे, है ना। बारी बारी से क्या करेंगे, इसमें इंडियम डिफ्यूज इंडियम को मिला देते हैं। ठीक है, इस आधे भाग में हम लोग इंडियम को मिला देते हैं। यहाँ पर इंडियम मिला दिया गया है। अब इंडियम जो है वो ट्राइवेलेंट होता है, तो ट्राइवेलेंट होने के कारण इंडियम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होल्स का निर्माण कर देगा, है ना। इस मटेरियल में होल्स का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। अब चूंकि यहाँ पर होल्स का निर्माण हो चुका है, तो ये किस टाइप का मटेरियल हो गया, ये हो जाएगा पी टाइप मटेरियल, है ना। इसी तरह से जो दूसरी साइड है, इस दूसरी साइड में पंच संयोजी अशुद्धि यानी कि आर्सेनिक इत्यादि मिला दी जाएगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी। तो ये किस टाइप का मटेरियल बन जाएगा, एन टाइप। ठीक है, एक तरफ पी टाइप और एक तरफ एन टाइप। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर एक पी एन जंक्शन बन जाता है। यहाँ पर जब दोनों मटेरियल जो एक तरफ पी टाइप और एक तरफ एन टाइप मिला दिया जाता है, तो जो दोनों का संपर्क वाला एरिया है ये किसका निर्माण करता है, एक पी एन जंक्शन का। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में बताया है कि एक तरफ मैंने क्या किया, यहाँ पर ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिलाई, दूसरी तरफ हमने यहाँ पर क्या किया, पेंटावेलेंट यानी कि पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई, है ना। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ कि एक तरफ क्या हो गया, पी टाइप मटेरियल बन गया और एक तरफ एन टाइप मटेरियल बन गया। लेकिन वास्तव में देखो क्या होता है कि अब इतना आसान तो है नहीं कि हम केवल बहुत ही आसानी से केवल उसके ऊपर ट्राइवेलेंट मटेरियल जैसे आप डाल दो, है ना, और ये पी टाइप मटेरियल बन जाए, और एक तरफ जो है आप उसके ऊपर आर्सेनिक रख दो और एन टाइप मटेरियल बन जाए, है ना। तो इतना आसान तो होता नहीं है। जनरली क्या होता है इसमें, देखिए इसमें यहाँ पर हम लोगों को एक विशेष प्रकार का एपरेटस होता है ना, विशेष प्रकार का हम लोग एक एपरेटस यूज़ करते हैं, यानी कि हम सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि एक मशीन का यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, एक एपरेटस का यूज़ करते हैं। एपरेटस क्या होता है, उपकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपकरण, एक उपकरण का यूज़ किया जाता है, और उस उपकरणों का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर जो है एक तरफ केवल एन टाइप मटेरियल और दूसरी तरफ हम यहाँ पी टाइप मटेरियल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वास्तव में जो है ये ग्रोन टाइप पीएन जंक्शन को बनाया जाता है। देखिए आपकी जो बुक है, बुक में जो एपरेटस के बारे में नहीं बताया गया है, तो हम भी इसलिए यहाँ एपरेटस के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन केवल आपकी जानकारी होना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। ठीक है, क्योंकि बुक में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये किस तरह से बना दिया आखिर, है ना। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिए कि इसको बनाने के लिए एक्चुअली क्या किया जाता है, जो वेफर हम लोग लेते हैं ना, उस वेफर को मशीन में रखा जाता है। ठीक है, और उसको कुछ गर्म करेंगे हम लोग, यहाँ नीचे इसके कुछ क्वाइल्स वगैरह लगी होती है, तो ये वेफर जो है मोल्ड जो है मेल्टिंग इसका स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। तो वह एक एपरेटस है, वह पूरा जो है एक अलग चीज़ है। अभी केवल आप जान लीजिए कि ग्रोन टाइप कोई विधि होती है, और उसमें क्या किया जाता है, आधे भाग में पी टाइप बना दिया जाता है मटेरियल और आधे भाग में एन टाइप मटेरियल बना दिया जाता है। तो यह ग्रोन टाइप मटेरियल है। ठीक है, ग्रोन टाइप मटेरियल किस तरह से बना, ये अभी आप लोग
ये समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, अगली अवधारणा हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे फ्यूज्ड टाइप जंक्शन की। फ्यूज्ड टाइप जंक्शन की ठीक है, फ्यूज्ड टाइप जंक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्यूज्ड टाइप जंक्शन देखिए क्या होता है। फ्यूज टाइप जंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो एक वेफर लेंगे। वेफर का मतलब होता है कि सिंगल एक मटेरियल लेते हैं, अर्धचालक। ठीक है, ये सिंगल एक अर्धचालक है हमारा, है ना। इसे हम, मैं क्या नाम दे रहा हूँ, इसे हम लोग वेफर कहते हैं। किताबी भाषा में अभी आप लोगों को वेफर ही लिखा हुआ। ठीक है, तो ये एक हमने वेफर ले लिया। ये वेफर किस मटेरियल का है, ये वेफर है सिलिकॉन का। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम जो है लिख देना अच्छा रहेगा। तो इसका नाम हम लिख देते हैं, ये सिलिकॉन का है। ठीक है, ये जर्मेनियम का भी हो सकता है, आप लोग ध्यान रखें, ये जर्मेनियम का भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, मैं सिलिकॉन का उदाहरण दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सिलिकॉन का ही वेफर यूज़ किया जाए। वेफर जो है जर्मेनियम का भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो है वो अर्धचालक मटेरियल हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, अभी सिलिकॉन का वेफर लिया। अब इस सिलिकॉन के वेफर पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सिलिकॉन का वेफर है, इस सिलिकॉन के वेफर को पहले हमने क्या किया, पहले इसको हमने यहाँ पर, पहले इसको हम लोग किसी पेंटावेलेंट अशुद्धि को इसमें मिला दिया जाता है ना, हीटिंग वगैरह के द्वारा इसमें हम लोग पहले पेंटावेलेंट अशुद्धि को मिला देते हैं। तो जैसे आप पेंटावेलेंट अशुद्धि इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, ये मटेरियल पूरा का पूरा ये एन टाइप बन जाएगा, है ना। ये पूरे मटेरियल में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पूरे मटेरियल में हमने पेंटावेलेंट अशुद्धि मिला दी है। इस पूरे में हमने क्या किया, पूरे मटेरियल में आर्सेनिक की मिलावट कर दी यहाँ पर, है ना। तो उससे क्या हुआ, ये पूरा मटेरियल जो है ये एन टाइप बन गया। अब हमें क्या करना है, इस एन टाइप मटेरियल के ऊपर हमें एक पी टाइप भी तो चाहिए, जब भी तो पीएन जंक्शन बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब ये जो सिलिकॉन था, अब ये वेफर जो पीएन, ये जो एन टाइप मटेरियल बन चुका है, इस एन टाइप मटेरियल में ही हमको एक पी टाइप मटेरियल भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक जो सिलिकॉन है, जो ट्राईवेलेंट अशुद्धि है, ठीक है, हम लोग एक ट्राईवेलेंट अशुद्धि लेंगे। और ट्राईवेलेंट अशुद्धि का बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ये ट्राईवेलेंट अशुद्धि, ये इंडियम जो है, इस इंडियम को हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंडियम दिख रहा है ना आपको, ये इंडियम, ठीक है, इस इंडियम को हम लोग क्या करेंगे, इंडियम और ये जो जंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, इंडियम, ये इंडियम है, इस इंडियम को और ये जो वेफर था जहाँ पर एन टाइप मटेरियल, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, है ना। इसको बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पर हीट देते हैं, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है ना, इसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं। इतना ज़्यादा गर्म करते हैं कि जो इंडियम का जो गलनांक होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें हम तापमान देते हैं। जनरली ये सोल्डरिंग आयरन वगैरह के द्वारा भी आप लोग जो है इसे दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा इसमें तापमान देते हैं इंडियम में, ठीक है। आप ये डाटा देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि डाटा जो है मेरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैं जो है डाटा पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। मेरा उद्देश्य होता है कि आपके कॉन्सेप्ट केवल क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है थोड़ा देख लीजिएगा कि ये 150 डिग्री है या 550 डिग्री है, ठीक है। मेरे ख्याल से वैसे ये सही है, ज़्यादा वैसे मैं गलतियाँ जो है गलत चीज़ें बताना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है कि ये सही है, ठीक है। तो आप लोग फिर भी एक बार देख लीजिएगा बुक में। तो
यहाँ पर हम लोग जब इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है कि ये इंडियम जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, और मेल्ट करने से क्या होगा कि ये जो इसके संपर्क में नीचे सिलिकॉन के जो मटेरियल है, इस सिलिकॉन को भी मेल्ट करके और इसके अंदर तक प्रवेश कर जाता है। अब इसके अंदर प्रवेश करने से क्या होगा कि यहाँ पर ये सुफिशियंट मात्रा में यहाँ पर होल्स का निर्माण कर देगा, क्योंकि ये ट्राईवेलेंट है, तो ये यहाँ पर क्या करता है, सुफिशियंट अमाउंट में होल का निर्माण करता है, और होल का निर्माण करता है यानी कि क्या कर देता है, ये पी टाइप मटेरियल बना लेता है। अब यहाँ पर कौन सा मटेरियल बन गया, ये बन गया पी टाइप मटेरियल, ठीक है, ये बन चुका है पी टाइप मटेरियल, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग फ्यूज्ड मेथड का यूज़ करके यहाँ पर फ्यूज टाइप पी एन जंक्शन का निर्माण कर सकते हैं। ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ पर, ये पूरा पोर्शन क्या है, ये जंक्शन बना रहा है एक, क्योंकि एक तरफ इसके एन टाइप है और ऊपर तरफ इसके पी टाइप मटेरियल है, तो ये कौन सा यहाँ पर पी एन जंक्शन बन गया। अब इसमें केवल हम लोग क्या करेंगे, कुछ एलॉय वगैरह जो है, कुछ लीड वगैरह डाल करके यहाँ पर, और इस तरह से जैसे आपको रेक्टिफायर वगैरह जो भी डिवाइस बनानी है तो आप यहाँ पर अपनी डिवाइस बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है फ्यूज टाइप पी एन जंक्शन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखते हैं कि जब पी एन जंक्शन हम लोगों ने आखिर बना लिया, ठीक है, अब ये पी एन जंक्शन तो आप लोग बना चुके है ना, दो मटेरियल हमारे पास थे, पी टाइप मटेरियल था, एन टाइप मटेरियल था, दोनों को हम लोगों ने मिला लिया है। अब जब इसको आप लोग बना चुके हो यहाँ पर पी एन जंक्शन को, तो आखिर इस पी एन जंक्शन को बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, या इसका हम कर क्या सकते हैं, आखिर इसका यूज़ क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए आप इसका यूज़ जब समझ सकते हो जबकि आप इसे पी एन जंक्शन में देखेंगे कि आखिर पी एन जंक्शन में हो क्या रहा है, पी एन जंक्शन जब आप मिलता है तो उस पर्टिकुलर जंक्शन को हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आने वाला है वह है पी एन जंक्शन की कार्य प्रणाली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पी एन जंक्शन की कार्य प्रणाली, ठीक है, पी एन जंक्शन की कार्य प्रणाली ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि कार्य प्रणाली देखेंगे जभी तो आप समझ पाएंगे कि आखिर पी एन जंक्शन का हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से पी एन जंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, ये एक पी टाइप मटेरियल और ये दूसरा बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया हमारा एक यहाँ पर, ये हो गया हमारा एक एन टाइप मटेरियल, ठीक है। इसमें कुछ इसमें लीड लगा देते हैं यानी कि इसके जो टर्मिनल्स बना देते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा समझने में मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए अभी लीड लगाने की ज़रूरत नहीं, अभी तो थोड़ा सा काम बाकी है इसमें। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हमने पी टाइप मटेरियल, एक तरफ पी टाइप मटेरियल मिलाया, एक तरफ हमने क्या किया है, एक तरफ हमने यहाँ पर पी टाइप मटेरियल मिलाया और एक तरफ यहाँ पर एन टाइप मटेरियल मिलाया, तब क्या होगा, है ना। तब देखिए इसमें क्या होगा ये हमको समझना है। तो चलिए अब ये चीज़ जो है अभी इसको यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कुछ देर के लिए इसे पास करते हैं, अभी यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा एक जो है थोड़ी एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है।
तो देखिए, मैं अब आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको परमाणु संरचना में बताया था कि ये यदि कोई ना, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु का नाभिक है ना, और इस परमाणु के चारों तरफ क्या रहती है, विभिन्न कक्षाएं होती हैं, है ना, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह परिक्रमण करते हैं, है ना। ये बातें आप लोगों को पता है। तो देखिए क्या होता है, नॉर्मली अवस्था में मैंने आपको बताया था कि जो सामान्य अवस्था है, सामान्य अवस्था में किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ लेके मान लीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, नाभिक में 2 प्रोटॉन्स भी होंगे, है ना, नाभिक में यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स भी होंगे। बाहर यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव आवेशित होते हैं, है ना, और प्रोटॉन जो है वो धनात्मक आवेशित होते हैं। तो जितना इसमें ऋणात्मक आवेश है उतना ही इसमें धनात्मक आवेश है। तो ये पदार्थ कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन देखिए यदि मान लीजिए यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए, यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, है ना, तो अब क्या होगा इसमें, अभी इसमें अब कितने इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बचे हैं, अब इसमें 2 प्रोटॉन बचे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज चला गया तो ये कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे थोड़ा सा आ जाएगा। और चूंकि जो परमाणु होता है ना, तो ये परमाणु को, जब परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो ये परमाणु को हम लोग क्या नाम देते हैं, जब ये परमाणु ने किसी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो त्याग करने के बाद इसको हम लोग नाम देते हैं आयन का, ये क्या बनाता है, आयन, है ना। तो जब मैं कहूँ कि ये एक आयन है, मान लीजिए हम लिख दें यहाँ पर ये सोडियम का आयन है, सोडियम का आयन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर चुका है। अगर धनायन कहें तो इसका मतलब होगा कि इसने अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर चुका है। और यदि हम कहें कि ये जो आयन है ये ऋणात्मक आयन है, ये ऋण आयन है, तब इसका मतलब क्या होगा, ऋण आयन भी बन सकता है। ऋण आयन कब बनता है कि जब ये किसी बगल वाले परमाणु से यदि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त करता है, तब क्या होता है, इसके ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, और नेट नेगेटिव चार्ज होने के कारण हम इसे क्या नाम देंगे, इसे हम लोग नाम देंगे ऋण आयन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं यहाँ पर, इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ। हाँ, अब जैसे हमको यदि मान लीजिए यहाँ शो करना है मटेरियल के अंदर, तो मटेरियल के अंदर हम पूरा नाभिक तो बना नहीं सकते, तब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ऋण आयन होगा ना, तो उसे हम लोग प्लस साइन से दर्शाएंगे, ये प्लस साइन से हम लोग दर्शाएंगे। तो प्लस साइन से आप लोग समझ जाइएगा कि ये क्या है, धनायन है, यह कहलाएगा धनायन, यानी कि क्या हुआ है, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वह जा चुका है। और यदि हम लोग इसे, यदि मान लीजिए कोई परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, किसी परमाणु को मान लीजिए यदि इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ है, यहाँ पर यदि इसे इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ है, तब हम लोग इसे क्या नाम देंगे, इसे हम लोग नाम देते हैं ऋणायन। और उसे सर्क, इसे कैसे दर्शाया जाएगा, इसे हम लोग चित्र में दर्शाएंगे ये नेगेटिव के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग समझे कि धनायन और ऋणायन क्या होता है, एक्चुअली ये धनावेश और ऋणावेश नहीं है, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वह ये ऋणावेश कहलाता है ना, और प्रोटॉन क्या कहलाता है, धनावेश कहलाता है ना। अब चूंकि सर्किट में प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है, तो हम क्या करते थे कि जो होल जहाँ पर है, जहाँ होल की कमी हो जाती थी, उसको हम लोग धनावेश की तरह क्रिएट कर सकते हैं, है ना। ये केवल हम लोग एक हाइपोथेटिकली एक मान के चलते हैं, है ना, लेकिन वास्तव में होल जो है वो कोई धनायन नहीं होता, होल तो जो एक वैकेंसी होती है, ठीक है।
लेकिन हमने जो अर्धचालक फिनोमेना है उसको समझने के लिए होल को क्या माना है, एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि होल जो है एक तरह से एक धनायन है, वो एक धनावेश है, ठीक है। लेकिन वास्तव में आप जान के रखिए कि होल जो होता है वास्तव में वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है ना। जिस जहाँ पर कोई रिक्ति होती है, कमी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल, है ना। तो जो जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आदान प्रदान हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पर धनायन और ऋणायन बन रहे हैं, ठीक है। तो यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो इसे हम लोग धनायन कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण कर ले तो इसे हम लोग नाम देंगे ऋणायन, ठीक है। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा, इसे हम लोग नाम देंगे ऋणायन, है ना। तो अब ऋणायन और धनायन में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आगे वाली जो चीज़ें हैं वह थोड़ा सा समझने के लिए आपको धनायन और ऋणायन समझना ज़रूरी है ना। धनायन और ऋणायन आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है, कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो पीएन जंक्शन है, ये वाला पोर्शन तो क्लियर कर देना चाहिए। चलिए चलो इसे बाद में देखेंगे, चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं, देखिए क्या हुआ, जब हमने यहाँ पर पी टाइप मटेरियल था हमारे पास, है ना, पी टाइप मटेरियल यानी कि पी टाइप मटेरियल था हमारे पास यहाँ पर, है ना। तो पी टाइप मटेरियल में किस पदार्थ की अधिकता थी, पी टाइप मटेरियल में हमारे पास यहाँ पर जो आयन है ना, यहाँ पर जो मटेरियल है, देखिए मैं पहले ड्राइंग थोड़ा बना दूँ आपको ताकि ये थोड़ा अच्छा से दिखे आपको। तो देखिए पी टाइप मटेरियल में क्या होता है, एक तरफ पे क्या था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, सॉरी यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर जो परमाणु थे इनके पास होल अधिक है ना। यहाँ पर क्या है, इनके पास ये होल्स हैं, है ना। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना। जो परमाणु हैं यहाँ पर इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, है ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर चूंकि एक तरफ यहाँ पर होल्स की अधिकता है इस तरफ, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। तो देखिए आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए जब दो जगह पर, मान लीजिए दो मटेरियल में आपस में, जैसे यदि मान लीजिए दोनों में, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप मान लीजिए ये गिलास लें, है ना, जैसे ये गिलास है और गिलास में यदि यहाँ वाटर भरा हुआ है, अब इस वाटर में हम लोगों ने क्या किया, एक कागज़ के टुकड़े में यहाँ नमक डाल करके और इसमें पानी में यहाँ पर डुबा दिया, है ना। तो अब क्या होगा कि इन दोनों में आपस में ये क्या करेंगे, यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली है कागज, तो ये क्या करेगा, नमक जो है इस पानी में घुलना प्रारंभ कर देगा। तो उसी तरह क्या होता है, इसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है, घुलने की प्रक्रिया, विसरण की प्रक्रिया। यहाँ पर क्या होगा, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता अलग अलग होती है ना। जब आप देखा होगा आपने भी कि जैसे मान लीजिए आप इस मटेरियल में, यहाँ मटेरियल में यदि जैसे मान लीजिए एक नींबू जो है, अगर नींबू को यदि काट के डाल देंगे आधा, तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे जो है वह भी अम्लीय होने लगेगा, उसमें आपको खट्टा स्वाद आने लगेगा। क्यों, क्योंकि वो जो नींबू है
उसके अंदर का जो अम्ल होता है वह धीरे धीरे इस गिलास में विसरण करने लग जाता है। तो विसरण के बारे में जो है आप लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता तो आप तो ध्यान रखिए कि यदि दो मटेरियल में कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता है ना, कि यदि कमी है जो अगर अधिकता है सांद्रण में, अगर डिफरेंस है तो वो दोनों आपस में क्या करते हैं, घुलना घुलने लगते हैं, मिलने लगते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा कि यहाँ का जो होल है और इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे इस मटेरियल है ना, ये पहला वाला जो मटेरियल है, ये पहले वाले मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन है तो ये जो पहले वाले मटेरियल का इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस जंक्शन को पार करके इस होल के पास आ जाएगा, है ना, क्योंकि इस भाई ये वाला जो यहाँ पर परमाणु है इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये तो चाहेगा कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। अब ये इसके पास देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन आया है, नॉर्मली ये क्या था, परमाणु जो था इसमें यहाँ पर कमी थी है ना, इसके पास कुछ भी नहीं था, अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये कैसा हो गया, ये ऋणात्मक या जो आयन है, अब ये जो आयन है यहाँ इसको बगल में बनाते हैं हम लोग, तो अब जो आयन है यहाँ पर, ये जो आयन है ये धनायन, ये ऋणायन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले तो यहाँ पर परमाणु के पास कुछ, ये तो रिक्ति थी है ना, ये तो न्यूट्रल था, ये इसके पास जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन आया है ना, इलेक्ट्रॉन आ गया, चूंकि इस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ से जो होल तो वो नष्ट हो गया, जिसे हम धनायन मान रहे थे, जिसे हम धनावेश मान रहे थे वो तो वो नष्ट हो गया। अब क्या हुआ, इस परमाणु के पास क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, और ये इलेक्ट्रॉन आने के कारण क्या हो गया, ये एक आवेश बन गया, ये एक आयन बन गया। कौन सा आयन बन गया, ये ऋणायन बन गया, क्योंकि जो जो यहाँ पर क्या थी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, नेट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इसे प्राप्त हो रहा है एक, है ना, तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, एक ऋणायन बन गया। तो इसी तरह से क्या होगा कि जो पास वाले जितने भी जो होल्स और इलेक्ट्रॉन है वो आपस में यहाँ पर शेयरिंग चालू हो जाएगी। अब देखिए ये वाला जो यहाँ पर इसके बगल वाला जिसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खोया है, ये परमाणु क्या बन जाएगा भाई, इसने इलेक्ट्रॉन खोया है तो ये धनायन बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, एक तरफ ऋणायन और दूसरी तरफ धनायन, एक तरफ ऋणायन दूसरी तरफ धनायन, इसी तरह से यहाँ पर भी ऋणायन और धनायन, सॉरी ये ऋणायन ये इकट्ठा होना प्रारंभ कर देते हैं, इसी तरह यहाँ पर धनायन धनायन और धनायन ये इकट्ठा होना चालू कर देते हैं। लेकिन देखिए एक समय के बाद क्या होता है, अब चूंकि ये जो धनायन और ऋणायन है ना, ये तो आयन है, तो इनमें क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर एक वोल्टेज बन जाएगा है ना, इतने मटेरियल में क्या हुआ, यहाँ पर एक वोल्टेज बन जाएगा। अब और एक वोल्टेज बनने के बाद यहाँ पर मैं वोल्टेज बना करके आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट की तरह नहीं दिख रहा है आपको, कैपेसिटर की प्लेट क्या होती है, एक तरफ ऋण प्लेट होती है और एक तरफ धन प्लेट होती है, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर ऋण आवेश इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर धन आवेश हुआ इकट्ठा हुआ, तो ये कैपेसिटर की तरह है ठीक है, एक चार्ज कैपेसिटर की तरह है। और अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, ये प्लेट क्या करेगी, इसमें वोल्टेज डिफरेंस बन जाएगा, और वोल्टेज डिफरेंस के कारण अब यहाँ से जो फर्दर जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से अगर क्रॉस करना चाहें तो क्या होगा, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर क्रॉस नहीं कर सकते ठीक है। तो ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें क्या करेगी, अब यहाँ पर जो है फर्दर डिफ्यूजन को यहाँ पर बंद कर देगी ठीक है, अब यहाँ से कोई भी होल्स जो है इस तरफ दूसरी तरफ नहीं जा सकता, और यहाँ जो एन टाइप मटेरियल है इधर से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस जंक्शन को क्रॉस करके होल से क्रिया नहीं कर सकता। इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर बीच में ये वाला जो पोर्शन है, ये इतना वाला ये पोर्शन क्या बन जाएगा, एक
ये एक पोर्शन बन जाएगा आपका पीएन जंक्शन। ठीक है, तो ये जो पीएन जंक्शन है, अब इस पीएन जंक्शन में देखिए आप लोग, यहाँ पर एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना। यदि मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो एक तरफ यहाँ पर धन आवेश है और एक तरफ ऋण आवेश है ना। तो एक तरफ क्या होगा, एक तरफ नेगेटिव जो है, यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है ना, और दूसरी तरफ यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक नेट पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। इसको हम नाम दे देते हैं V0। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल है ना, जो जंक्शन पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बैरियर पोटेंशियल। इसे बैरियर क्यों कहा गया है, आपने अभी लॉकडाउन पीरियड में बैरिकेड्स का नाम सुना होगा, जगह जगह चौराहों पर लोगों को निकलने से रोकने के लिए भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं। वो क्या करते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में रोकते हैं, गाड़ियों को वहाँ से निकलना जो है वह सक्षम नहीं हो पाता। तो इसी तरह से ये जो बैरियर है, ये जंक्शन का यहाँ पर पोटेंशियल का एक बैरियर है, ये पोटेंशियल होने के कारण क्या हो रहा है, ये होल्स जो है ना, ये इस तरफ जहाँ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं दूसरी तरफ, लेकिन ये इनसे क्रिया नहीं कर सकते और न्यूट्रल नहीं हो पाते, है ना। तो इसीलिए ये बैरियर का काम कर रहा है, इसीलिए इस पोटेंशियल को हम लोग क्या नाम देते हैं, बैरियर पोटेंशियल। या हिंदी में यदि इसे हम लोग कहें, हिंदी में ये क्या कहलाता है, प्राचीर विभव। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ ज़रा, चलिए इसे हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल या विभव प्राचीर, इसे हम लोग नाम देंगे विभव प्राचीर, वी भाव प्राचीर। तो ये क्या है, एक पोटेंशियल है जो इस पीएन जंक्शन के मध्य उपस्थित हो जाता है, और ये क्या करता है, जो होल्स और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है उसको रोकता है, उसको विरोध करता है। तो इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या नाम देते हैं, विभव प्राचीर। ठीक है, विभव प्राचीर। और ये जो विभव प्राचीर होता है, ये जर्मेनियम मटेरियल के लिए 0.1 से लेकर के और 0.3 वोल्ट तक होता है। ठीक है, वहीं यदि सिलिकॉन की हम लोग बात करें, तो सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। तो ये आप लोग थोड़ा इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक और, आपको यहाँ पर एक परिभाषा बन रही है, तो एक परिभाषा और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए ये जो रीजन है, यहाँ पर आप लोग देखें, चलिए अब ये डायग्राम थोड़ा बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, इसे थोड़ा क्लियर करके और फिर आपको मैं अच्छे से स्पष्ट चित्र बना करके बताता हूँ। तो देखिए हम लोग यहाँ पर हमने बनाया था, एक तरफ पी टाइप मटेरियल था हमारा और दूसरी तरफ हमारा दूसरी तरफ हमने यहाँ पर एन टाइप मटेरियल बनाया था। ठीक है, इन दोनों के साइड में आपने देखा कि ये कुछ क्षेत्र में यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया है, यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल उत्पन्न हो गया है। इस तरफ यहाँ पर है, एक तरफ यहाँ पर है, एक तरफ धनायन, यहाँ एक तरफ है ऋणायन, है ना, और एक तरफ है धनायन। और ये धनायन और ऋणायन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन हैं
जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स और होल के जो फर्दर मूवमेंट है इसका विरोध कर रहे हैं। तो देखिए ये वाला जो बीच वाला रीजन है, ये इसे मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से लेकर के ये वाला, ये पूरा जो रीजन है, इस रीजन में आप लोग देखिए यहाँ आपको कोई होल्स नहीं मिलेगा, है ना, यहाँ कोई होल नहीं है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, है ना। तो ऐसे क्षेत्र को जहाँ वो जहाँ होल्स और इलेक्ट्रॉन मिलने की बिल्कुल संभावना कम होती है या नहीं के बराबर होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। इसे डिप्लीशन रीजन जो नाम दिया गया है, वह भी एक कारण है उसका भी, वह मैं आपको बताता हूँ कि देखिए क्या होता है। जैसे आपने बॉर्डर वाला एरिया देखा होगा, जैसे LOC भारत पाकिस्तान के बीच में, तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर होती है वहाँ बॉर्डर पे केवल जो फौजी होते हैं, केवल जो फौजी होते हैं वो फौजी ही वहाँ पर अवेलेबल होते हैं इंसानों के तौर पर, वहाँ पर और भी और कोई भी इंसान वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, तो उस रीजन को वहाँ पर डिप्लॉयड रीजन कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक तरह की बॉर्डर है, यहाँ पर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई भी आपको होल या इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई भी होल या इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिप्लीशन रीजन या अवक्षय क्षेत्र, अवक्षय क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया डिप्लीशन रीजन और अवक्षय क्षेत्र क्या होता है, और बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल मैंने आपको समझाया यहाँ पर, दोनों बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर डायोड क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग जान चुके हैं, पीएन जंक्शन हम लोग बना चुके हैं, तो अब हम लोग डायोड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायोड, ठीक है, डायोड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए डायोड क्या होता है, डायोड जो है वह एक तरह का पीएन जंक्शन ही है, उसमें केवल हम लोग दो टर्मिनल एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। जैसे अभी हमने पीएन जंक्शन बनाया, ये जैसे जैसे हमने ये जो जंक्शन बनाया यहाँ पर, है ना, यहाँ जंक्शन बना लेते हैं हम लोग एक, इसमें हम लोग एक जंक्शन बना लेते हैं, तो ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर है यहाँ पर, ये दर्शा रहा है पी टाइप मटेरियल को, और ये जो ग्रीन कलर है ये दर्शा रहा है हमारा एन टाइप मटेरियल को, ठीक है। जब हमने इन दोनों मटेरियल को पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक मटेरियल को मिला दिया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या बनता है, इनके चारों तरफ यहाँ पर बन जाता है एक जंक्शन, ठीक है, यहाँ पर बनेगा एक जंक्शन, और ये देखिए ये भी दोनों तरफ जो है इस जंक्शन के दोनों तरफ यहाँ पे एक डिप्लेशन रीजन बन जाता है। इस डिप्लेशन रीजन, है ना, इस डिप्लेशन रीजन में कोई भी मुक्त कैरियर नहीं होता, ना होल होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एक तरफ जो है वो पॉजिटिव, सॉरी, एक तरफ यहाँ पर नेगेटिव आवेश, नेगेटिव आयन्स, एक तरफ नेगेटिव आयन्स इकट्ठे हो जाते हैं, ये नेगेटिव आयन्स जो है यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एन साइड पे पॉजिटिव आयन्स जो है वो एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल जो है अब यहाँ पर शेष नहीं रहता, ठीक है।
तो इसीलिए इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लेशन रीजन कहते हैं, यह आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जो पीएन जंक्शन बनाया था, अब इस पीएन जंक्शन में ही यदि हम केवल एक एक जो है दोनों तरफ, यदि यहाँ पर हम ये इस तरह से अगर केवल इसमें टर्मिनल्स जोड़ दें, ठीक है, एक टर्मिनल हमने पी साइड पर जोड़ दिया है और एक टर्मिनल हमने ये एन साइड पर जोड़ दिया है, ठीक है, तो इस तरह से जब हम एक एक टर्मिनल जोड़ देते हैं तो ये जो डिवाइस बनती है, इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड या सिंपली डायोड, ठीक है, इसे कहा जाता है डायोड, लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए इसका नाम है डायोड, यह बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है, ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है, क्यों, क्योंकि इसका उपयोग, देखिए हम लोग क्या कहते हैं, इसका यूज़ ज़्यादातर जो है हम लोग एसी को जो एसी सप्लाई होती है ना, अल्टरनेटिंग करंट, उसको डीसी बनाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट हैं वह डीसी पर काम करते हैं, उन्हें डायरेक्ट एसी से नहीं चलाया जाता, इसीलिए हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, जो पोल से सब स्टेशन से आपके पास सप्लाई आती है घर में सॉकेट तक, वो एसी होती है, तो उससे डायरेक्ट आप जो है डायरेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं, उनको नहीं चला सकते, तो उसे डीसी में कन्वर्ट करना होगा, तो यह कार्य कौन करता है, डायोड करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम जो रेक्टिफायर बनाते हैं उसमें डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वह युक्ति जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ठीक है, इसे कहा जाता है रेक्टिफायर, है ना, यह आप लोग याद रखें। इसके अलावा देखिए इसका काम, इसका जो यूज़ है हम लोग टीवी और रेडियो रिसीवर्स में भी करते हैं, ठीक है, टीवी एंड रेडियो रिसीवर्स में भी विभिन्न प्रकार के सर्किट्स को बनाने के लिए डायोड का यूज़ किया जाता है, फिर डायोड भी जो है वह अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनके अलग अलग यूजेस भी होते हैं, हम आगे वाले चैप्टरों में आने वाले जो लेक्चर्स उनमें देखेंगे, तो अभी आप एक मोटे तौर पर देख लीजिए कि डायोड का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, मेनली इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एसी को डीसी में बदलने में और टीवी एंड रेडियो रिसीवर्स में, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है, तो अब चलिए हम यहाँ पर ये डायोड का आपको इंट्रोडक्शन आज मैंने यहाँ पर करा दिया आपको, तो अब चूँकि ये वीडियो जो है ये जो क्लासेस हैं काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, तो इसीलिए हम इसे यहाँ पर ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो अब हम आगे के टॉपिक जो है डायोड के बारे में कल देखेंगे, तो कल देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वह मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो कल देखिए हम लोग, कल हम लोग जानेंगे कि डायोड की बायसिंग क्या होती है ना, आज हमने डायोड पढ़ लिया है, तो अब हम कल डायोड की बायसिंग जानेंगे, है ना, डायोड की बायसिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है, बायसिंग का मतलब क्या होता है ये पता चलेगा आपको, और बायसिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, और दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, है ना, तो ये सब आपको पता चलेगा, और फिर इसके बाद हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, है ना, इसके बाद हम लोग डायोड की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इसका जो अभिलक्षण वक्र होता है, इसके एक अभिलक्षण वक्र होता है, मतलब कि इसमें वोल्टेज और करंट के बीच में हम लोग एक वक्र खींचते हैं, देखिए जैसे हम लोग रेजिस्टेंस के लिए वी आई वक्र बनाते हैं ना, वोल्टेज और करंट के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये जो डायोड है, इस डायोड के लिए भी हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे, और वो जो जैसा भी जो ग्राफ आएगा, जिस प्रकार से भी बनेगा, उस ग्राफ को ही हम लोग क्या नाम देते हैं,
डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र है ना। और इस अभिलक्षण वक्र से आपको विभिन्न प्रकार की राशियों के बारे में जानने को मिलता है, जैसे कठिन वोल्टेज क्या होता है ना, और इसके अलावा जो नी वोल्टेज किसे कहते हैं, फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको कल पता चलेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कल फिर मिलते हैं 9 PM पर।